नमस्ते डॉक्टर लता अग्रवाल, इतिहास विषय। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के प्रथम वर्ष के तथा ऑनर्स पार्ट वन के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूलाधार में सम्मिलित पौराणिक धर्म से संबंधित अध्ययन करेंगे। पौराणिक धर्म को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, वैष्णव और शैव धर्म। आज हम वैष्णव धर्म का अध्ययन करेंगे। पौराणिक धर्म से तात्पर्य है कि आरण्यों में ऋषि और संतों द्वारा लेखपत ग्रंथों में वर्णित धर्म की अवधारणा पौराणिक धर्म कहलाई। इसका उद्भव काल 600 से 300 ईस्वी तक लगभग 900 वर्षों तक रहा। इसमें भक्ति प्रधान संप्रदायों का बीजारोपण हुआ और इसका विस्तार काल 300 से 1200 ईस्वी तक माना गया। पौराणिक धर्म का उद्भव। इसका उद्भव तात्कालिक नहीं होकर पूर्ववर्ती था। उत्तरवैदिक काल में ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव और शूद्रों की दयनीय स्थिति के कारण 6वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। इन्होंने मोक्ष निर्माण प्राप्ति का सरल मार्ग अवश्य बताया, परंतु इन धर्मों में भी तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के बढ़ने से यह विचारधारा पतन उन्मुख होने लगी। धीरे धीरे भक्ति प्रधान पौराणिक हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिसमें वैष्णव और शैव धर्म प्रमुख रहे। गुप्तकाल से वर्तमान तक पौराणिक धर्म में विष्णु या नारायण का पूजन तथा उसके विभिन्न अवतार व सगुण भक्ति का प्रचलन रहा। प्रमुख है 18 पुराण है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। इन पुराणों में विभिन्न विषयों को पांच भागों में विभक्त किया गया। सर्ग, जिसमें सृष्टि की कथा, प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्भाव, वंश, देवता, राक्षस, ऋषियों और राजाओं की वृतांत, मन्वंतर, पृथक पृथक काल या युग में मनुष्य के समय में घटित प्रसिद्ध घटनाएं और वंशानुचरित, जिसमें सूर्य, चंद्र व अन्य वंशों के राजाओं का वर्णन है। वैष्णव धर्म पुराणों की विशेषताएं। पुराणों में वैदिक धर्म के परम तत्व ब्रह्म को सरल भाषा में वर्णित किया गया। ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वनामी, सर्वभाव युक्त माना गया। पुराणों का दर्शन, ज्ञान और चिंतन सरल सुबोध रूप में प्रस्तुत किया गया। पुराणों में भक्ति के तीन रूप दर्शाए गए, लौकिक जिसमें आराध्य देव की उपासना, वैदिक, वैदिक ऋचाओं का मनन जाप, आध्यात्मिक, इसमें यौगिक ध्यान व अभ्यास को महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त सात्विक, राजसी, तामसी भक्ति का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। यह संप्रदाय भागवत धर्म और पांच रात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव है। इस धर्म में यज्ञ संबंधित कर्मकांड के स्थान पर ईश्वर की सगुण भक्ति का उद्देश्य देना है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताया। भागवत पुराण, भागवत गीता, महाभारत भागवत धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के मध्य समन्वय स्थापित कर ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख किया गया। पांच रात अर्थात पूजा के पांच अंग बताए गए, अभिगमन, उपादान, इच्छा, स्वाध्याय और योग। इन सभी का सार भक्ति है। इसके सिद्धांतों में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन बताया। भक्ति का स्वरूप सगुण रूप में कृष्ण की उपासना करना। अहिंसा की अवधारणा पर भी महत्व दिया गया। अहिंसा परमो धर्म अर्थात ईश्वर भक्ति में हिंसा का निषेध बताया गया। वैष्णव धर्म में भगवान वासुदेव के अनेक स्वरूपों के 24 विभव व अवतारों को महत्व दिया गया, जिनमें से 10 अवतार प्रमुख है। इन 24 अवतारों में आदि पुरुष, चार सनत कुमार, वरहा, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि माना गया। वैष्णव सगुण भक्ति के चार संप्रदाय हैं। प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, जिसका मत विशिष्टाद्वैत आचार्य रामानुजाचार्य, जिसमें ब्रह्म, जीव, जगत तीनों को सत्य तथा नित्य माना। जीव तथा जगत ब्रह्म के अधीन है, जिसका आधार तत्व ईश्वर है। ब्रह्म संप्रदाय में ईश्वर, जीव और जगत तीनों को सत्य तथा नित्य नहीं माना गया। ईश्वर स्वामी है,
जीव उस पर आश्रित है तथा जगत ईश्वर द्वारा संचालित है। रुद्र संप्रदाय में ईश्वर जीव जगत तीनों ब्रह्म के स्वरूप बताए, वे प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म की सत्ता मानते हैं, इनके अनुयायी पुष्टि मार्गी कहलाए। सनक संप्रदाय में ईश्वर जीव जगत तीनों एक दूसरे से भिन्न है और अभिन्न भी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसकी कृपा से ही जीव को जगत का ज्ञान प्राप्त हो सका। ये राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। ऋग्वेद उपनिषद व पौराणिक ग्रंथों में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है। भारत देश में कुल 6 वैष्णव तीर्थ स्थान है, बद्रीधाम, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ और द्वारकाधीश। वैष्णव धर्म में प्रमुखतः 9 संस्कार वर्णित है, जिसमें राम और कृष्ण की मूर्तियां हैं। एकेश्वरवाद के प्रति कट्टरता नहीं है। इसके सन्यासी सिर मुंडा कर चोटी रखते हैं। इसके अनुयायी दशा कर्म के दौरान सिर मुंडाते वक्त चोटी रखते हैं। ये सभी अनुष्ठान दिन में करते हैं। यह सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं। जनेऊ धारण कर पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं। हाथ में कमंडल दंडी रखते हैं। वैष्णव सूर्य पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। दाह संस्कार की रीति भी पृथक है। यह चंदन का तिलक खड़ा लगाते हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है, जिसमें सर्वप्रथम रामानुज, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य थे। उत्तर भारत में आचार्य रामानंद भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। रामानंद ने सर्व धर्म संभाव की भावना को बल दिया और कबीर रहीम ने सभी की जाति के व्यक्तियों को भक्ति का उपदेश दिया। आगे रामानंद संप्रदाय में जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास हुए, रामचरितमानस की रचना व अन्य ग्रंथों की रचना की। रामानंदाचार्य ने भक्ति के लिए सभी वर्ण जाति के लिए मार्ग खोला। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप 2 अलग परंपराएं चलाई। जय हरि वैष्णव धर्म के अंतर्गत भक्ति का प्रमुख स्थान है। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक और व्यापक रहा। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या और संन्यास अनिवार्य नहीं है। मनुष्य गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि इसी पौराणिक धर्म के वैष्णव धर्म के कारण विश्व में भारत का धर्म अक्षुण रहा। इसी ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का आधार बना और कालांतर में विश्व में प्रतिस्थापित सभी धर्मों को समन्वित रूप में भारतीय सभ्यता में स्थापित किया। धन्यवाद।